हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर सुबह की चाय वगैरह हो गई है, उसके बाद मैं ये धुल रही हूँ दाल। उड़द की दाल है ये, इसको रात में मैंने भिगो के रख दिया था। तो ये देखिए अच्छे से साफ हो गई है, सारा छिक्कल मैंने इसका निकाल दिया है धुल के। और इधर चाय का बर्तन वगैरह भी धुल दिया है। तो अब मैं छील लेती हूँ लहसुन प्याज और मसाला वगैरह रख लेती हूँ, फिर दाल पीसती हूँ, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। दाल को हमने पीस लिया है, अब इधर हम मसाला पीस लेते हैं, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारे गरम मसाले मैं इसमें डालूंगी। तो चलिए कैसे मैं बनाती हूँ आप सबको दिखाऊंगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत दिन बाद मैं बनाने जा रही हूँ। आज मौसम थोड़ा अच्छा था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, दो दिन से बारिश हो रही थी। तो दाल को मैंने पीस लिया, दाल को तो पीस के रख दिया है, अब इधर मसाला पीस लेते हैं। तो मसाले में थोड़ा सा मैंने पिसी हुई धनिया भी डाल लिया है 3 चम्मच, और आधा चम्मच हल्दी डाल लिया है। और ये अरबी का पत्ता ना धुल के रख देती हूँ, जब तक मसाला पीसूंगी इसका पानी बिल्कुल झड़ जाएगा, फिर काट के बनाती हूँ। इसका निकाल देंगे ना, इसको निकाल देंगे। ये देखो ये कितना छोटा है। खरीदते समय बराबर खरीदे होते ना, वो लपेटुआ बना देते। इसी तरह सारा काट लेंगे डंठल निकाल के, छोटे छोटे खरीदते समय बड़ा बड़ा खरीदे होते ना। चलो इसी तरह सब काट लेते हैं, फिर बनाते हैं। मैं काट रही थी तो मुझसे सही से नहीं कट रहा था, तो हस्बैंड जी लेके काटने लगे। तो जब तक ये काट रहे हैं चलिए मैं बेसन मिला लेती हूँ दाल में। ये उड़द की दाल है, अब इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे, इससे स्वाद ना अच्छा हो जाएगा। इसमें डालेंगे मसाला जो पीस के रखे हैं ना। थोड़ा सा हल्दी, नमक बाद में डालेंगे ना, हल्दी नहीं डालेंगे। एक चम्मच चलो पत्ते मिलाते हैं इसको, काट रहा है कि सब लगातार ज्यादा लोग हैं। अभी तो मिक्स हो रहा है, ये मिक्स देखिए इसको सब, अभी बिना नमक, नमक बाद में डालेंगे नहीं गीला हो जाएगा। मैं मोम बनाए थे, पकौड़ी बनाए थे। पकौड़ी खाना हो तो ऑप्शन है, बना दे। वही बनाए नहीं, वो उतना पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। और प्याज, बेसन, बेसन कम आएगा पकौड़ी के लिए, प्याज नहीं सही है।
लहसुन भी सही हुई है, डाल दी थोड़ा से ना, ठीक है सही आने बहुत है, नहीं हाँ, ज़्यादा हुई जी, बहुत मस्त है, नहीं ज़्यादा तो ना हुई पर फिर बेसन के स्वाद आने लगा। बीच में नमक थोड़ा सा डालेंगे, हल्का नहीं, अच्छा नमक नहीं डालेंगे, पिघल जाए। तो यहाँ पर अरबी का पत्ता, दाल, मसाला, बेसन सब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी नींबू का रस, थोड़ा सा आधा नींबू का रस अच्छे से गार के डाल देंगे और उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें जो गले में थोड़ा सा खराश टाइप आता है ना वो नहीं आएगा, करछाएगा नहीं अरबी का पत्ता। और फिर तेल को गर्म करके इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। तो फ्राई मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, मतलब पकौड़ी कोई खाएगा नहीं, सब्जी सब लोग खाएंगे तो ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। वैसे भी अगर सब लोग पकौड़ी खाते तो इसमें थोड़ा सा प्याज और नमक डाल के मैं तुरंत फ्राई कर देती, नमक भी मैं नहीं डाली क्योंकि उड़द की दाल जो होती है ना नमक डालने से गीला हो जाता है, तो इस वजह से नमक मैंने नहीं डाला है, ऐसे ही फ्राई किया है। जब सब्जी बनाऊँगी तो ग्रेवी में नमक डाल दूँगी। बहुत तो कम लागत हमका, इतने कम तेल में पूरा फ्राई हो गया, बहुत कम तेल लागत ना। तो थोड़ा सा डालेंगे तड़के में मेथी दाना, फिर डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग वैसे दाल पीसते वक्त भी मैंने डाला है थोड़ा सा, और तड़के में भी थोड़ा सा डाल, इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, प्याज को लाल करेंगे। अब इसमें डाल देंगे मसाला, वो अच्छे से भूनेंगे हम। खटाई, दो खटाई तो डाल दिए हैं, देखो बिना खटाई के बनेगा ही। तो यहाँ पर देखिए मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है, सारा मसाला अच्छे से पक गया है, खटाई भी एकदम गल गई है। अब इसमें डालेंगे हम पानी ग्रेवी के अनुसार, पानी डालेंगे थोड़ा सा, तो मसाले को अच्छे से पकाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दो कटोरी, बड़ी कटोरी से पानी मैंने डाला है, और इसको चलाने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक। तो नमक तो बड़ी में मैंने डाला नहीं है, तो ग्रेवी और बड़ी के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक बिल्कुल तेल नहीं छोड़ देता। तो देखिए तेल छोड़ चुका है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी भी, अगर हरी धनिया है तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो जब तक ये पक रहा है चलिए थोड़ा सा मैं चावल साफ करके चावल डाल देती हूँ। और ये देखिए हमारी गुनगुन चल रही है ब्लॉग में, भाई हम लोग इनको बैठ के देख रहे थे, जब मन करता है देख लेते हैं, यही ब्लॉग का मजा रहता है, अपनी यादें अपनी मेमोरी जो है एक जगह कैद हो जाती है, जब मन कहे आप उसको देख सकते हो। तो चलिए ग्रेवी हमारी पक गई है, अब इसमें हम डाल देते हैं बरी को, और वरी को डालने के बाद फिर हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे ताकि ग्रेवी और वरी अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी इसका स्वाद अच्छा होता है। अब देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी मैं डाली नहीं थी, बस थोड़ा सा निकाल के ना उसको गर्म होने के लिए रख दी थी। और इधर अब मैं डाल देती हूँ चावल धुल के, उसके बाद फिर सेकूंगी रोटी। अच्छा ये सब चीज़ें बनाने में जरूर टाइम लगता है, पर जब बन जाता है और इसको खाओ तो इसका स्वाद जो आता है ना, वो सारी सब्जियां फेल हो जाती हैं, जैसे रसात बनाओ ये बनाओ। तो यहाँ पर चावल मैंने धुल लिया है, चलिए मैं इसको डाल देती हूँ, और आटा उधर बिटिया सान रही है, फिर मैं सेकती हूँ रोटी। तो इधर मैंने रोटी भी सेक लिया है और सलाद भी काट लिया है, तो चलिए मैं खाना निकाल के हस्बैंड जी को दे देती हूँ, वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। ठंडा होने खाक बताओ कैसे बना। जीरा नमक डाल दे कि चीनी? जीरा नमक चला लेके आओ थे।
चला खा के बताओ पहले बना कैसे है। बढ़िया नमक फिट बताओ सही अब सही है नमक चलो सब्जी तो सबको बहुत पसंद आई, सब कुछ फिट था, नमक मसाला तेल। तो चलिए सब लोग खा रहे हैं, मैं भी अपने लिए खाना निकाल लेती हूँ। तो ये रही मेरी थाली, और कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।